देख सकते हैं, ये देखो मैं छाता से बारिश से बचने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अम्ब्रेला स्टैंड पर आया हूँ ना, इसलिए देखो कितना प्यारा सा छाता छाता से है और मैं इससे बारिश से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में। मैं हूँ जयकरण, आप देख रहे हैं नेचुरल ब्लॉग। आज हमारे स्कूल को बारिश के मौसम में अम्ब्रेला से सजाया गया है। ये मेन गेट है जो कि टोटल अम्ब्रेला ही अम्ब्रेला लगाया गया है, और ये पीछे भी देख सकते हैं हमारे अम्ब्रेला स्टैंड लिखा है। यहाँ पे बहुत सारे अम्ब्रेला टांगे जाएंगे, जो कि भी बच्चे आएंगे तब टांगे जाएंगे। चलो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, अंदर भी अम्ब्रेला ही अम्ब्रेला अम्ब्रेला ही अम्ब्रेला से सजाया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक ये अम्ब्रेला रहा, वो दूसरा, फिर वो तीसरा, और आगे मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये देखो जितना ही देखोगे आज टोटल छाते से ही सजाया गया है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो कुछ यूनिक करने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा कुछ यूनिक करते हैं। और आप हमारे ऊपर भी देख सकते हैं, ये देखो जहाँ भी नज़र जाएगी आज अम्ब्रेला ही अम्ब्रेला आपको देखने को मिलेगा। ये देखो कितने अम्ब्रेला टांग दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं आज का कुछ ऐसा ही सीन है। और मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो पेड़ों पर भी अम्ब्रेला टांगे गए हैं भाई आज। ये देखो क्या गजब का सीन है भाई, देख सकते हैं आप कितना। ये देखो वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो, ये देखो टोटल अम्ब्रेला ही अम्ब्रेला अम्ब्रेला ही अम्ब्रेला से सजा दिया गया हमारे स्कूल को। और कुछ डिफरेंट टाइप का है ये, गांव वाला देसी अम्ब्रेला नहीं है ये, सिर्फ हमको लग रहा है बस ऐसे ही आर्टिफिशियल बना दिया गया है। ये देख सकते हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं वो पेड़ों पर देखो छोटे छोटे घर टांगे गए हैं, जो कि चिड़ियों के लिए टांगे गया छोटा छोटा सा घर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप सोच रहे होंगे कि मैं छाता लेकर क्यों घूम रहा हूं और इस तरह से क्यों वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि